मैं कोई नया सिपाही नहीं हूँ इस मुद्दे में, हमसे पहले भी बहुत लोग आए। मैं कह रहा हूँ साहब, कई वर्षों से ये लड़ाई चलती आ रही है और आज मैं वीडियो के माध्यम से बोल कर जा रहा हूँ और आपको ये बता कर जा रहा हूँ, अगर कई वर्षों से ये लड़ाई चलती आ रही थी तो आज तक भी ये गांव गांव में क्यों नहीं पहुंची थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये लड़ाई सिर्फ दस्तावेजों तक थी, ये लड़ाई सिर्फ बड़े बड़े लोगों तक थी कि बड़े बड़े लीडर्स से वो मिल लिए। फिर वो कहते हैं अन्य प्रदेश के लोग कि मुलायम सिंह यादव जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने अही रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई। अरे जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है, ये बताओ ये समाज रोया कब था? ये समाज रोया कब था आप ये बताओ? आज तक चेतना का अभाव है, आज तक जन जागृति अभियान का अभाव है, आज तक आपको इस मुद्दे की जानकारी नहीं है। ये हरियाणा में बैठे लोग वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव ने, बिहार के लालू ने पावर में होने के बाद अही रेजिमेंट का गठन क्यों नहीं किया। वो हम पर उंगली उठाते हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप तब नहीं रोए, आपकी दहाड़ नहीं थी जो आज दहाड़ है, आपकी चीख में दम नहीं था जो आज इस चीख में दम है, आपकी एकता में दम नहीं था जो आज इस समाज की एकता है। यही वजह थी कि तब अही रेजिमेंट नहीं बनी। गगन यादव संघर्ष करो। और आज हमारे बहुत भाई हैं वहां, हमें बहुत सम्मान मिलता है। कल ही हम कार्यक्रम करके आए हैं हरियाणा के हिसार में, बहुत प्यार करते हैं हमें लोग हर राज्य में प्यार करते हैं, लेकिन ये कुछ लोग जो किसी विशेष दल के हैं वो हमेशा इस समाज के ऊपर अलग अलग तरीके से उंगली उठाने का काम करते हैं, हमारे नेताओं पर उंगली उठाने का काम करते हैं। अरे मैं आज कहना चाहता हूं आपसे, आज हमारे नेताजी हमारे बीच नहीं है तो उनकी बात ना की जाए, उनकी अगर बात करनी है तो अच्छी बातें करी जाए, उनकी बुरी बातों का आप गुणगान ना करें, ये मैं आपके बीच कहकर जाता हूँ। नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। आप उस मुलायम सिंह यादव के बारे में कहते हैं जिनके डिफेंस मिनिस्टर होने के बाद आज सैनिक सम्मान के साथ अपने घर पर जाता है, शहीद होने के बाद जिसकी कभी एक उंगली तक नहीं मिलती थी, कपड़े आते थे, कुछ नहीं आता था, सिर्फ कपड़े आते थे। आप उस मुलायम सिंह यादव की बात करते हैं और मैं यहां पर पार्टी की पैरवी करने नहीं आया हूं, मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं, मैं यहां पैरवी करने आया हूं हमारे उस नेता की जिसकी वजह से हमें मान सम्मान स्वाभिमान मिला था। मैं नहीं कर रहा पैरवी तेज प्रताप यादव की, मैं पैरवी कर रहा हूं यहां पर हमारे उस नेता की जिसकी वजह से आज हमें जाना जाता है कि यादव भी कोई है। आपके बीच आकर वादा करके जा रहे हैं, मैंने जैसा कि कहा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन एक चीज समझ आ गई कि बिना राजनीति के ये मुद्दा नहीं सुलझेगा। नए नए लोग आ रहे हैं मैदान में, नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं और वो इस मुद्दे को राजनीति का रूप दे, तो हमें दुख होता है कि ये समाज के लोग कहीं भटक ना जाए, ये भटक ना जाए इनकी वजह से, अगर हमें भी आना पड़ा तो आगामी सांसद गगन भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। करके जाते हैं, कह दिया दादा कृष्ण ने आजादी उसे भैया, वादा करके जा रहा हूं सदन में पहुंचने के बाद 5 सालों में अगर इस समाज की बात ना रखूं, और इतनी बात कि भविष्य में कोई सोच नहीं सकता कि समाज के बारे में इतनी कोई बात नहीं कर सकता है। गगन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सांसद बनना सपना नहीं है, क्योंकि सपना तो हमारा बहुत बड़ा है, ये तो सिर्फ एक
जरिया है कि कैसे अपने लोगों के दुख दर्द को हम सत्ता के समक्ष सदन में रख सके। एक महज जरिया है, सिर्फ जरिया। और जुबान देके जा रहा हूँ, वक्त बहुत अच्छा जवाब देता है। और मैं चाहूंगा कि हमारा वक्त आए, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कितना असली था ये गगन यादव जो आपके बीच इस गांव में।